सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हमारे कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर टाइम एंड वर्क। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में हमें दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज। तो वर्क जब स्टार्ट हुआ तो टारगेट था कि 6 किलोमीटर की रोड बना दी जाएगी 200 डेज में। तो 140% उसने एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्टर ने, बट आफ्टर 60 डेज ही रियलाइज ओनली 1.5 किलोमीटर रोड हैज बीन कम्प्लीटेड। यानी 60 डेज जो काम हुआ, 60 डेज में 140 मैन ने वर्क किया, बट ओनली 1.5, 1.5 मीन्स टोटल वर्क का 1/4 पार्ट ही कंप्लीट हो पाया। अब हाउ मैनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड, एडिशनल कितने लोग चाहिए ताकि फिनिश हो जाए वर्क ऑन टाइम। यानी कि 200 में से 60 माइनस कर देंगे हम, 140 डेज का वर्क चाहिए, 140 डेज अभी बचेंगे, और कितने मैन चाहिए ये हमें निकालना है। और वर्क जो बचा हुआ है अब इट इज 3/4। तो देखिए यहाँ सिंपल दो सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन इज दिस, सेकेंड इज दिस। हमें पता है कि M1D1 upon W1 इज इक्वल टू M2D2 upon W2। यानी फर्स्ट केस में 140 मैन 60 डेज वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कंप्लीट हो रहा है 1/4। तो कितने मैन चाहिए ताकि अगले 140 डेज में 3/4 वर्क कंप्लीट हो जाए। सिंपली से काटेंगे 3 टाइम्स, 140 से 140, M2 यानी सेकेंड केस में मैन चाहिए 3 into 60, 180। बट 180 इज नॉट द आंसर, हमें बताना है एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए। तो एक्स्ट्रा विल बी 140, पहले से काम कर रहा है तो 180 में से माइनस कर देंगे, आंसर इज 40। तो ये क्या 2020 का क्वेश्चन, इसमें 40 मैन चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज वाइल सुनील अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। अनिल किसी जॉब को 20 डेज में करता है, सुनील उसी काम को 40 डेज में करता है। अनिल स्टार्ट द जॉब, यानी वर्क स्टार्ट हुआ, अनिल ने काम किया 3 डेज, देन सुनील ज्वाइन हिम। अब अनिल प्लस सुनील ने काम किया बट फ्यू मोर डेज, हम मान लेते हैं लेट एक्स डेज उसने काम किया, देन बिमल ऑल्सो ज्वाइन, और तीनों ने मिलके उस काम को फिनिश कर दिया। तो मान लेते हैं वाई डेज और वर्क किया और वर्क हो गया हमारा एंड। तो बिमल ने कहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 10% ऑफ वर्क किया है, तो बताओ कितने दिन में वर्क कंप्लीट हुआ। तो देखिए हम इसमें एलसीएम मेथड यूज करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं 20 और 40 का, सो वी विल गेट 40। तो हम वर्क को एज्यूम कर लेते हैं 40 यूनिट्स, अनिल एक दिन में करेगा 40/20 यानी 2 यूनिट्स पर डे, और सुनील करेगा 40/20, 40/40 यानी कि 1 यूनिट पर डे। अब अनिल 3 डेज वर्क कर रहा है, तो 3 डेज में वो कर लेगा 3 into 2 6 यूनिट्स वर्क। अनिल प्लस सुनील करते हैं मिलके 3 यूनिट्स पर डे, और वो एक्स डेज वर्क कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू 3x यूनिट्स। और बिमल ने किया 10%, तो वर्क हमने माना था 40 यूनिट्स, तो बिमल करेगा 10% of 40 यानी कि 4 यूनिट्स। तो ये लास्ट पोर्शन में हम बिमल का वर्क अलग लिख सकते हैं, 4 प्लस अनिल प्लस सुनील का अगेन 3 यूनिट्स है, तो 3y, और टोटल वर्क इज 140। तो 6 + 3x + 4 + 3y इज इक्वल टू 40। ये सब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x + y = 10। तो टोटल डेज हो जाएंगे x + y = 10 + 3 = 13 डेज। ऑप्शन वन इज द आंसर, बट इसकी एक शॉर्ट अप्रोच है, क्योंकि आज क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तो एक स्टूडेंट ने बताया था मदिया ने, तो दैट इज द फाइन अप्रोच। उसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि अनिल ने 3 डेज में कितना वर्क किया है, 3 into 2 6 यूनिट्स, बिमल ने कितना वर्क किया है 10% ऑफ वर्क यानी कि 4 यूनिट्स, तो दोनों के मिलके हो गए 10 यूनिट्स।
अब जो रेस्ट ऑफ वर्क है यानी 40 माइनस 10 इज 30 यूनिट्स, ये करना है अनिल और सुनील को मिलके, जो कि एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट्स, तो उन्हें लगेंगे 10 डेज। तो 10 प्लस 3 13 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एट डियर यूजुअल एफिशिएंसी लेवल ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी जैसे जब काम करते हैं तो ए प्लस बी कर देते हैं 12 डेज में। ए हैड वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज शी यूजुअली डज। ए ने अपनी एफिशिएंसी का हाफ कर दिया एंड बी हैड वर्क थ्राइज एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज, तो दोनों ने काम मिलकर कर दिया 9 डेज। तो देखिए इसमें हम पर डे की अप्रोच लगाते हैं, तो पर डे वर्क के हिसाब से हो जाएगा 1/12। अब ए ने अपनी एफिशिएंसी कर दी हाफ, एफिशिएंसी हाफ करने का पर डे वर्क हो जाएगा हाफ, और 3 टाइम्स एफिशिएंसी कर दी तो ये हो जाएगा 3/3 विल बी 1/9। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमसे पूछा है ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी अलोन वर्क्स एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। अपनी एफिशिएंसी से वर्क करे तो कितना टाइम लगेगा, ए का हमें निकालना है। तो हमारे टारगेट होने चाहिए कि ए के टर्म में हम सॉल्व करें, तो हम बी को क्या करेंगे, एलिमिनेट, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 3/a + 3/b इज इक्वल टू 3/12, मतलब 1/4। दोनों इक्वेशन को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, बी एलिमिनेट हो गया, यही हमें चाहिए भी था। तो 1/2a - 3/a इज इक्वल टू 1/9 - 1/4। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेते हैं, विल गेट 2a - 1 - 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36, 4 - 9। -5/2a इज इक्वल टू -5/36, 2a इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 18। तो a अगर अपने तौर पे अकेले काम करेगी तो वो 18 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 men and 8 machines कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय 3 machines and 8 men टू फिनिश द सेम जॉब। इफ 2 machines कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज, हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज। तो 3 men and 8 machines, तो हम यहाँ ले लेते हैं 3 men + 8 machines कैन फिनिश द जॉब इन हाफ द टाइम। हम मान लेते हैं ये 1 डे में कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि 8 men + 3 machines करेंगी उसी काम को 2 डे में, हाफ द टाइम में करती हैं। तो हमने अगर इसे 1 डे ले लिया तो ये हो जाएगा 2 डेज। अब इसे सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच क्या है, आप इसे कन्वर्ट कर लिए पर डे, यानी हम कह सकते हैं कि 2 into 8 men + 3 machine कैन डू दिस वर्क इन 1 डे। अब ये भी 1 डे में कर रहा है और ये मैन और मशीन भी 1 डे में कर रहा है, तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 16 men + 6 machine, इधर जाएगा इट विल कम हियर, तो वी विल गेट 2 machines = 13 men, यानी 2 machine जो है वो 13 men के बराबर है। अब आगे क्या दिया है, 2 machine can finish the job in 13 days, 2 मशीन इसी जॉब को कर रही हैं 13 डेज में, तो हाउ मैनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज, यानी डेज सेम है, तो 2 machine = 13 men। तो 2 मशीन अगर 13 डेज में कर रही हैं तो उसी काम को 13 men भी 13 डेज में करेंगे, तो ये आंसर विल बी 13। तो ये ऑप्शन वो टाइपिंग द इंटीजर वाला क्वेश्चन है कैट का, तो इसमें आपको टाइप करना था 13। क्वेश्चन 5, अ टैंक हैज इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप। एक टैंक है जिसमें क्या है, एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इफ इनलेट पाइप इज क्लोज देन द आउटलेट पाइप इज क्लोज देन इनलेट पाइप फिल द टैंक इन 18 आवर्स, यानी इनलेट पाइप क्या करता है 8 आवर्स में इसे फिल कर देता है। इफ द आउटलेट पाइप इज ओपन then inlet pipe fill the empty tank in 10 hours, यानी inlet plus outlet दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं 10 hours में।
तो अगर सिर्फ आउटलेट पाइप ओपन हो तो कितने टाइम्स में टैंक फुल हाफ फुल हो जाएगा, याद रखना है हाफ फुल। तो वही हम एलसीएम मेथड करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 8 और 10 40 यूनिट्स। तो वर्क हम मान लेते हैं 40 यूनिट्स। इनलेट पाइप करता है 40/8 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स पर आवर। इनलेट प्लस आउटलेट करता है 40/10 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स पर आवर। तो इनलेट करता है 5 यूनिट फिल और इनलेट प्लस आउटलेट में सिर्फ कितने फिल हो रहे हैं, 4। यानी आउटलेट पाइप क्या कर रहा है, 1 यूनिट पर आवर ड्रेन कर रहा है। तो टोटल टैंक है 40 यूनिट्स, तो हाफ टैंक हो जाएगा 20 यूनिट्स। तो आउटलेट पाइप को टाइम लगेगा 20/1 यानी कि 20 आवर्स। आंसर इज ऑप्शन वन। नेक्स्ट पर आते हैं, अमल कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। अमल कर सकता है 10 डेज में, बिमल कर सकता है 8 डेज में। अमल, बिमल एंड कमल, एक तीसरा पर्सन और आ गया कमल, तीनों मिलके कर सकते हैं 4 डेज में। एंड टोटल अमाउंट, इन तीनों को टोटल जो अमाउंट मिले हैं वह है 1000। तो इफ द अमाउंट इज शेयर्ड बाय देम इन प्रोपोर्शन टू दियर वर्क देन कमल शेयर। कमल को कितने रुपीस मिलने चाहिए 1000 में से, ये पूछा है कैट 2017 का क्वेश्चन। तो वही हम एलसीएम अप्रोच लेते हैं। वर्क हम मान लेंगे एलसीएम ऑफ 10, 8, 4। ये आ जाएगा 40 यूनिट्स। तो अमल इसमें करता है पर डे 40/10 यानी कि 4 यूनिट्स पर डे। बिमल करेगा 40/8 यानी कि 5 यूनिट्स पर डे। और तीनों मिलके करेंगे 40/4 यानी कि 10 यूनिट्स पर डे। अब देखिए इसमें से ए और बी मिलके कर रहे हैं 9 यूनिट्स, तो कमल कितनी कर रहा है, सिर्फ 1 यूनिट। तो कमल का वर्क का प्रोपोर्शन है 1/10 और पैसे मिल रहे हैं टोटल 1000। तो उसी प्रोपोर्शन में उस कमल का शेयर होगा, यानी कमल को मिलने चाहिए 100 रुपीज। तो आंसर विल बी ऑप्शन वन, 100 रुपीज। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज। ही वर्क अलोन ऑन डे वन। 2017 कैट का अच्छा क्वेश्चन है ये। डे वन में अकेला काम करता है, डे टू में क्या करता है, उसे एक अदर पर्सन मिल जाता है जो कि काम को कर सकता है 120, मतलब बिल्कुल सेम एफिशिएंसी वाला एक और पर्सन आ जाता है। डे थ्री में एक और आ जाता है, तीन लोग हो जाते हैं सेम एफिशिएंसी वाले। लाइक दिस एवरी डे अ न्यू पर्सन विद द सेम एफिशिएंसी जॉइन द वर्क। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। यानी हमें क्या करना है, इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं कि सेम पर्सन एक एक दिन में ऐड होता चला जा रहा है। तो वर्क स्टार्ट हुआ, तो दिस इज डे वन, तो यहाँ पर एक पर्सन है। फिर अगले दिन डे टू में क्या हो गया, 2 पर्सन हो गए। फिर डे थ्री में 3 पर्सन, इसी तरीके से काम चल रहा था और एक दिन पे आके वर्क क्या हो गया, एंड। तो इसमें देखिए हम क्या मान लेंगे, लेट वर्क इज इक्वल टू 120 यूनिट्स। हम ये एज्यूम कर लेते हैं 120 यूनिट्स है। तो जो भी पर्सन है, क्योंकि सब सेम एफिशिएंसी के, सारे पर्सन क्या करते हैं, पर डे 1 यूनिट वर्क करते हैं, 1 यूनिट पर डे, ये उनकी एफिशिएंसी है। तो क्या हो रहा होगा, डे वन में 1 यूनिट वर्क हो रहा होगा, डे टू में ऐसे 2 पर्सन आ गए तो 2 यूनिट, डे थ्री में ऐसे 3 पर्सन हो गए 3 यूनिट। ये चलता रहेगा और ये कब जाके रुकेगा, जब क्या होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 यूनिट्स। तो हमें क्या मिला, यानी रिलेशन क्या बनेगी, 1 + 2 + 3, मान लो एन डेज लगते हैं, इन सब का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, 120। यानी एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इज 120, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 240,
अब इसे सॉल्व करने के लिए या तो हम इक्वेशन बनाएं क्वाड्रेटिक, लेकिन बेटर अप्रोच क्या है, हम लिख लेंगे एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 240 के अगर हम फैक्टर करें तो ये हमें पता चल जाएगा 6, 16 × 15 होता है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 15, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 15 डेज, तो 15 डेज में ऐसा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, या तो S1 से हो सकता है, S2 से नहीं हो सकता, या फिर S1 से नहीं हो सकता बट S2 से हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 2, S1 से भी कर लो या फिर S2 से भी कर लो, दोनों अपने आप में सफिशियंट है, यानी ऑप्शन 2। अगर अपने आप में सफिशियंट नहीं है बट दोनों मिलके आंसर कर सकते हैं तो वी विल हैव ऑप्शन 3, और दोनों मिलके भी नहीं कर सकते तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ये याद रखना ऑप्शन, इसी के बेस पे हम डीएस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 8, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द टैंक टू गेट फिल्ड व्हेन टैप्स ए एंड बी आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो कितनी देर लगती है किसी भी टैंक में, मान लो दो टैप हैं, एक ए एक बी, लगने में कि साइमल्टेनियसली। S1 में कह रहा है टैप ए इज इनलेट, फिलिंग टैंक है यानी इनलेट पाइप है, और ये फिल कर सकता है इसे 2 आवर्स में, तो ये अपने आप में देखिए इनसफिशियंट है, क्योंकि सिर्फ ए की बात हुई, बी का हमें कुछ नहीं पता। जब S2 की बात कर रहे हैं, S2 कह रहा है टैप बी जो है वो आउटलेट पाइप है, ड्रेन कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, और इट कैन एम्प्टी इट इन 3 आवर्स, तो S2 भी अपने आप में इनसफिशियंट है, क्योंकि जब हम S2 की बात कर रहे हैं S1 हमें नहीं पता। तो पहले और दूसरे ऑप्शन तो गए, ऑप्शन 3 पर आते हैं, जब हमने S1 और S2 को मिला दिया अब क्या होगा, अब हमें देखो A का भी पता है 2 आवर्स में इनलेट है, और B का भी पता है 3 आवर्स में आउटलेट है, तो ये हम चाहे तो इस अप्रोच से निकाल सकते हैं या फिर एलसीएम से, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना होता, हमें डीएस के क्वेश्चन में कभी भी आंसर नहीं निकालना होता है, हमें ये देखना होता है कि यार डेटा सफिशिएंट है या नहीं, तो दोनों अपने आप में तो सफिशिएंट नहीं है बट दोनों मिलके आंसर कर सकते हैं। यस, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 9 में दे रखा है ए बी सी को अमाउंट मिला है, ए बी सी पेड एन अमाउंट ऑफ ₹529, हाउ मच शुड ए बी पेड, ए को कितना मिलना चाहिए ये पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलके कितना काम कर देते हैं, 19/23 ऑफ वर्क, इतना पोर्शन कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता इस पोर्शन में से ए ने कितना किया और बी ने कितना किया, तो ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। S2 में कह रहा है बी और सी मिलके 8/23 ऑफ वर्क कर देते हैं, तो क्या हम इससे बता सकते हैं, देखिए ये अच्छा था ट्रिकी चीज है, यस हम इससे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए बी प्लस सी का पता है, तो ए कितना कर रहा होगा, ए कर रहा होगा 23 में से 8 पार्ट बी और सी मिलके कर रहा है, तो 15 पार्ट ए कर रहा है, तो जब हमें यह पता चल गया टोटल वर्क अगर 23 उसमें से 15 पार्ट ए कर रहा है, तो टोटल 529 में से कितने रुपीज मिलेंगे ये हम निकाल सकते हैं। तो S2 इज सफिशियंट, S1 इज नॉट सफिशियंट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट सफिशियंट है दूसरा नहीं है, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है रोहन एंड सोहन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, रोहन और सोहन मिलकर 12 डेज में कर रहे हैं, हु इज लीस्ट एफिशिएंट अमंग रोहन मोहन और सोहन में से, कौन लीस्ट एफिशिएंट ये हमें बताना है, यानी सबसे कम किसकी एफिशिएंसी है। स्टेटमेंट 1 है रोहन प्लस मोहन 15 डेज में कर रहा है,
देखिए यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो इस फॉर्म में बन सकती है। पर डे के हिसाब से हम लॉजिक लगाए हैं, बट यहाँ दो इक्वेशंस हैं और तीन अननोन है या तीन वेरिएबल है हमारे पास, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। यानी S1 इज इनसफिशिएंट। S2 की बात करें तो वो कह रहा है सोहन और मोहन मिलकर 20 डेज में कर रहा है, तो अगेन वही ये और ये मिलके, फिर वही सिचुएशन हो जाएगी कि भाई ये क्वेश्चन तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है, और ये हमें स्टेटमेंट 2 में दे रखा है, बट अभी भी हम इन दोनों के बेस पे नहीं बता सकते, तो ये भी इनसफिशिएंट है। बट यस, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हमें अभी ज़रूरत नहीं है, बट मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इसको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। डीएस का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अजय एंड बाला कंप्लीट अ वर्क जॉब ऑन अल्टरनेट डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट इट। S1 में वो कह रहा है कि अगर वो वर्क टुगेदर करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलके क्या करते हैं, 20 डेज में करते हैं, तो अगर वो ऑल्टरनेट डेज में करेंगे तो क्या हम बता सकते हैं? यस, हम बता सकते हैं। ऑल्टरनेट में क्या हो जाएगा इसका? डबल। S2 में कह रहा है अजय कर सकता है उसी काम को, उसी जैसे काम को, मतलब उसी काम को 30 डेज में अकेला करेगा, और बी कर सकता है उसी काम को 60 डेज। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है, यस, तब भी हम बता सकते हैं कि अगर ये ऑल्टरनेट करेंगे तो क्या कितना टाइम लगेगा। यानी इसमें S1 भी अपने आप में सफिशियंट है और S2 भी सफिशियंट है, दोनों में से किसी से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब बोनस क्वेश्चन जो अभी हमने डीएस में करा था, अभी इसे सॉल्व करना हो। देखिए ऐसी सिचुएशन में तो दो मेथड में आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन बार बार बनती है। तो 1/r अगर पर डे की अप्रोच ले रहे हैं तो 1/12, दिस इज इक्वेशन 1, 1/r प्लस 1/m इज 1/15 ऑप्शन 2, और थर्ड दिया है 1/s प्लस 1/m इज 1/20। हमने तीनों सिचुएशन में पर डे वर्क का लॉजिक से निकाल लिया। अब ऐसे सॉल्व करना है हमें, क्योंकि लीस्ट एफिशिएंट तभी बता सकते हैं जब हमें पता ही ये चल जाए कि रोहन कितने दिन में कर रहा है, सोहन कितने दिन में कर रहा है, और मोहन कितने दिन में, तभी हम बता पाएंगे लीस्ट एफिशिएंट कौन है। तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच होती है आप इसे ऐड कर दिए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा तीनों ये ऐड होंगे तो 2 टाइम्स, और इस साइड आ जाएगा जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये एलसीएम ले लें हम 60, तो हो जाएगा 5 + 4 + 3, 9, 12/50 यानी 1/5। हमें पता चल गया 1/r प्लस 1/s प्लस 1/m इज इक्वल टू 1/10। ये 2 इधर आएगा तो 1/10। अब इस वे में आप रखते चले जाइए, जैसे 1/m निकालना हो तो 1 + r + s की वैल्यू रख दिए तो 1/m आ जाएगा, उससे m आ जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक जनरल अप्रोच है, बट टाइम एंड वर्क में हम ऐसे नहीं करेंगे। टाइम एंड वर्क के लिए हम करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे, हम ले लेंगे वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12, 15 और 20, यानी कि 60 यूनिट्स। अब देखो आर प्लस एस करते हैं 12 डेज, यानी आर प्लस एस पर डे की यूनिट्स करते हैं 60/12, यानी कि 5 यूनिट्स पर डे। आर प्लस एम कर रहे हैं 15 डेज में, इसका मतलब है आर प्लस एम की एफिशिएंसी हो गई 60/15 यानी 4 यूनिट्स पर डे। एंड लास्ट सोहन प्लस मोहन कर रहे हैं इसी काम को 20 डेज में, तो सोहन प्लस मोहन की एफिशिएंसी हो गई 60/12 यानी 3 यूनिट्स पर डे।
इसे मैं अगर ऐड कर दूं तो हमें पता चल गया 2 टाइम्स ऑफ r + s + m इज इक्वल टू 549 और 312, यानी r + s + m की एफिशिएंसी हो गई 6 यूनिट्स पर डे। और देखिए वर्क था 60 यूनिट्स का, तो अगर हमसे पूछा होता तीनों मिलके कितना करेंगे तो हम यही आंसर बता देते, r + s + m करेंगे 60/6 यानी 10 डेज तीनों मिलके। तो देखो यहाँ भी 1/10 आ रहा था तो 10 डेज, बट तीनों का अलग अलग पूछा हो तो देखो r + s की है 5 यूनिट्स और r + s + m की है 6, तो या r + s की वैल्यू 5 हो जाएगी तो m आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। इसी तरीके से r + m है 4 यूनिट्स, r + n इसमें रख देंगे तो s आ जाएगा 2 यूनिट्स पर डे। और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, r बचा, r इज तीनों मिलके 6 है तो 3 यूनिट्स पर डे। तो m कितने डेज में करेगा, ये टोटल वर्क है 60 यूनिट्स का, तो 60/1 यानी 60 डेज। s कितने दिन में करेगा, 2/60 यानी कि 30 डेज, 60/2 मतलब 30 डेज, और 60/3 यानी 20 डेज। तो अगर हमें डेज भी निकालने होते तो हम यहाँ सीधे आंसर बता सकते थे कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की ये दो अप्रोच है, दोनों में से आप जिसको इजी लगे आप उस अप्रोच से कर सकते। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।